This is Fatima Raja Kasuri and welcome to my YouTube channel. So aap soch rahe honge ki aaj ki video mein aapko kya dikhane lagi hu. If you look around, I'm at a store, I'm in Alfata. And in today's video, I'm going to show you how to buy makeup on a budget. Yes, main aapko dikhaungi ki 5000 rupees mein aap apna complete makeup normal drugstore makeup kaise khareed sakte hain and how to choose your perfect shade all within 5000 rupees. So are you ready? Are you excited? I am. Let's go. Okay, so main yahan pe actually 5-10 minutes se hu aur maine I've looked around, I've seen what foundations are available. Basically, I'm going to start with the foundation. Because foundation usually is the most expensive item. Until you don't have your foundation right, don't apply, or you don't have a good foundation, so the rest of the makeup is not going to look that great. So, foundation, you should invest in the foundation, because the rest of the makeup will be good. So I looked around, or because aaj hamara budget hai 5000 rupees, so I came to this brand. It's called Essence. Koi hai yahan pe? Acha, ek to aaj jo foundation humne leni hai, because abhi it's still a little bit hot, so you need a foundation that will stay on. So I'm going to try some foundations here. इधर मुझे टेस्टर दिखा देंगे ये वाला आपने सेट किया था और ये इसका टेस्टर अच्छा अब फाउंडेशन टेस्ट करने के लिए व्हाट यू शुड डू इज जो नॉर्मल तरीका है वो आप अपने स्किन टोन के साथ मैच करना होता है सो यू शुड पुट इट हियर रब इट इन ब्लेंड इट इन फील द टेक्सचर आपको अच्छा लग रहा है जरा लगा के उसको एक दो मिनट छोड़ के देखिए कि कहीं उसका कलर ऑक्सीडाइज तो नहीं कर रहा दूसरा तरीका फाउंडेशन टेस्ट करने के लिए विच इज़ अ बेटर वे ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं अगर आप फाउंडेशन इस जगह पे ट्राई करके अपना शेड मैच करने की कोशिश करें अपनी जॉ लाइन पर क्या प्राइस है इसकी ओके सो आई थिंक आई found my shade and this says it stays on all day so obviously if they say it stays on all day which means ki ye paseene ke saath it'll stay on it has a higher probability of staying on so aap ye mujhe ek foundation de dein please okay nahi iske alawa nahi main abhi aapke paas wapas eye pencil brown eye pencil डार्क ब्राउन बिकॉज वी आर ऑन अ बजट हमारी फाउंडेशन की क्या प्राइस थी 1390 की फाउंडेशन आई है अब आईब्राउज के लिए आई एम गोना गेट एन आई पेंसिल क्योंकि आईब्राउ किट थोड़ी महंगी हो जाती है और हमारे बजट में आज पूरी नहीं आएगी आईब्राउ पेंसिल क्या दोनों की क्या प्राइसेस में क्या फ़र्क है दोनों की डार्क ब्राउन दिखाए हैं बहुत लाइट है अच्छा इनके पास डार्क ब्राउन शेड खत्म है सो वील गो टू द नेक्स्ट काउंटर आप ये फाउंडेशन पैक कर दीजिए ठीक है ओके एज यू कैन सी देयर आर सो मेनी ब्रांड्स हियर सम वेरी गुड ब्रांड्स बट इस वीडियो का मकसद ही ये है कि कभी कभार आपके पास वो प्रोडक्ट्स नहीं होते और दे बिकम टू एक्सपेंसिव तो मैं आपको आज उन एक्सपेंसिव ब्रांड्स का ऑल्टरनेटिव बता रही हूँ सो फॉलो मी यहाँ पर मैंने वो जो पैलेट रखवाई थी वो दे दें प्लीज़
ये रखो अच्छा ये एक ब्रांड है विच इज अ न्यू कोरियन ब्रांड आई ट्रस्ट कोरियन कॉस्मेटिक्स एंड इट्स क्वाइट रीजनेबल अच्छा एक सेकेंड आई हेट बिल्स लेकिन बिल तो पे करना होता है ये खोल देंगे प्लीज ओके सो व्हेन आई वाज लुकिंग अराउंड आई वाज ट्राइंग टू फिट इट इन माय बजट सो दिस इज अ गुड पैलेट बिकॉज इसमें आपके पास ऑरेंज शेड भी है पिंकिश टोन भी है इसके अलावा यू डोंट हैव टू बाय अ सेपरेट कंटूर किट इसमें ये ब्राउन शेड है जो आप एज अ बेस आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं आप कंटूर भी कर सकते हैं इसको आप एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं और एज एन आई शेडो एंड इट्स वेरी गुड फॉर द प्राइस इसकी क्या प्राइस है 1990 ओके तो अब हमने ऑलरेडी 1990 का ये किट ली है और एक 1390 की हमने फाउंडेशन ली है सो या अभी हमने और भी चीज़ें लेनी है सो या इसका भी बिल दे दें ओके सो नाउ वी आर डन विद द कॉन्टोर द हाइलाइटर द फाउंडेशन नाउ वी हैव टू लुक फॉर अ कंसीलर एंड अ लिपस्टिक So lipstick is a very very important part of makeup as we all know aur yahan pe bahut bahut acche shades hain lekin bahut bahut mehenge bhi hain so aaj humne budget ke andar rehna hai isliye I looked around and I found this aur aaj main aapko aisa shade choose karke bataungi jo ki aap har color ki outfit ke sath laga sakte hain red ke sath orange ke sath black ke sath white all colors so this lipstick I chose इसका कलर आप देख रहे हैं बहुत अच्छा सा न्यूट्रल सा कलर है ये डे में भी लगाया जा सकता है नाइट में भी लगाया जा सकता है और इसकी प्राइस भी रीज़नेबल है क्या प्राइस है 550 सो या दिस इज़ अ वेरी गुड कलर आई लाइक इट एंड द टेक्सचर इज़ आल्सो वेरी गुड इट्स वेरी क्रीमी सो इट्स नॉट गोना चैप योर लिप्स सो या दिस लिपस्टिक इज़ गुड इसका भी बिल दे दें ओके नाउ वी बॉट द फाउंडेशन लिपस्टिक खरीद ली है हमने ब्लश ऑन कर थैंक यू एक और बिल आई हेट बिल्स लेकिन पैसे तो देने पड़ेंगे एनी वेज सो फाउंडेशन हो गया पैलेट के अंदर कॉन्टोर हो गया ब्लश ऑन हो गया हाईलाइटर हो गया आई शेडो हो गया अब कंसीलर कंसीलर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अंडर आई सर्कल्स वगैरह एंड यू कैन यूज़ इट एज अ हाईलाइटर टू सो आप मुझे ज़रा कंसीलर दिखा सकती हैं नहीं मुझे आपने ये वाला दिखाया अच्छा ये दो ऑप्शंस हैं कंसीलर की एक सेकेंड पकड़ूंगी ये दो ऑप्शंस हैं अब ये फॉर्मूलाज हैं देर डिफरेंट फार्मूलाज वॉट एवर यू कंफर्टेबल विद कई लोगों को ये फार्मूला पसंद होता है कई लोगों को ये क्रीमी फार्मूला पसंद होता है आई प्रेफर द क्रीमी फार्मूला मुझे ये समहाउ इट डजंट सूट माई स्किन बट यू कैन यूज़ आइदर ऑफ दीज फॉर्मूलाज एज अ फॉर द कंसीलर क्या प्राइस है इसकी ओके दिस इज़ फॉर 810 जो दूसरा फार्मूला था और ये वाला 975 अब मैं आपको इनका ये भी दिखा देती हूँ ये बहुत अच्छा है लेकिन क्योंकि हम बजट पे हैं मैं नहीं ले सकती मैं वही यूज़ करूँगी जो पैलेट में था लेकिन आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कॉन्ट्रोल के लिए इसकी क्या प्राइस है सेम प्राइस है सो आई एम गोना बाय दिस कंसीलर नाउ और आई थिंक इसके बाद मेरे पैसे ख़त्म हो गए आई जस्ट हैव इनफ मनी आई थिंक टू बाय अ ब्राउन आई पेंसिल ये दे दें इसका बिल ओके लास्ट थिंग ब्राउन आई पेंसिल लेट्स गो ब्राउन आई पेंसिल है रेड डाउन कर दिया आपने बिल में ऐड कर दिया ये दो चीज़ें की हैं बस लिपस्टिक और पेंसिल ठीक है सो दिस ब्राउन आई पेंसिल डार्क ब्राउन इज़ गुड फॉर योर आईब्राउज क्योंकि आई शेडो यूजली आई यूज़ आईब्राउ पैलेट लेकिन क्योंकि वो आज हमारे बजट में फिट नहीं हो रही इसलिए वी आर गोना बाय अ ब्राउन पेंसिल एक्सक्यूज मी इसकी क्या प्राइस थी 295 सो दिस फिट्स आवर बजट एंड आई थिंक
I did it. I wasn't sure कि मैं 5000 में सारा मेकअप खरीद लूँगी या नहीं, but I did, and I think I did a good job. और अब मैं आपको next video में इन सारे product के साथ मेकअप अप्लाई करके भी दिखाऊंगी. That's a promise. So let me gather all the bills. अभी दो और आने हैं. नफरत है मुझे बिल से, लेकिन anyways. So let's go and pay for the things. Guys, I'm still, I don't know. I hope कि ये 5000 के अंदर अंदर ही हो. अगर 100-200 ऊपर हो गया, I think that's fine. We'll round it off, so it's still 5000. ये सबसे ज़्यादा टेंशन की मोमेंट होती है जब आप काउंटर पे आके आपको बिल पे करना. $5,210, but not bad. अगर हम उसको राउंड ऑफ करें तो 5000 ही हो जाता है. I'm sure. एक सेकंड, मैं आपको बाकी ला कर देती हूँ. I have to borrow some money from someone. Just give me 2 seconds. I'm just coming back. थोड़ा सा बजट ऊपर हुआ है, सिर्फ 210 रुपीस. उसके लिए I'm sorry. लेकिन अगर राउंड ऑफ करें तो 5000 ही हो जाता है. देखिए, मैं पूरे 5000 लाई थी, देन आई हैड टू बोरो 300 रुपीज़ फ्रॉम समवन. इसलिए आप हमेशा 200-300 रुपये ऊपर रख लिया करें. अच्छे, थैंक यू, थैंक यू. So, did you enjoy today's video? I hope ke I gave you some useful tips on how to buy makeup on a budget. Or please subscribe to my YouTube channel if you have not done so. Also, if you like the video, do comment below and let me know. And don't forget to click the bell icon so every time I post a video, you get notified. So till next time, love you all. Bye.